नीलांजन न्यूज में आपका स्वागत है। हम रखते हैं हर खबर पर नजर और देते हैं आपको पूर्ण, नवीनतम और विश्वसनीय खबर। मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने सोमवार को कहा कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य पर चयन बैठक में चर्चा हुई थी, लेकिन झारखंड के इस क्रिकेटर के अच्छा प्रदर्शन नहीं करने की स्थिति में ही वो विकल्पों की तलाश करेंगे। युवराज सिंह को आराम देने की स्थिति को स्पष्ट करने के बाद प्रसाद से जब धोनी के बाबत पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं ईमानदारी से कहूंगा, चर्चाएं हर किसी के बारे में होती हैं। ऐसा नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में ही चर्चा हुई। जब हम टीम चुनते हैं तो हम संयोजन की बात करते हैं और हम हर किसी के बारे में चर्चा करते हैं। धोनी के भविष्य के बारे में पूछने पर मुख्य चयनकर्ता ने कहा कि इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन जब तक वो टीम में प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रसाद ने कहा, वैसे आप कुछ नहीं कह सकते, हम ये नहीं कहते कि ये चयन एक स्वतः होने वाली चीज है, लेकिन हम देखेंगे। हम सभी चाहते हैं कि भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करे। अगर वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्यों नहीं उन्हें ही चुना जाए। अगर वो नहीं होंगे तो हमें उनके विकल्पों को तलाशना होगा। प्रसाद ने इसके बाद आंद्रे अगासी का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ खिलाड़ी कैसे उम्र के साथ बेहतर होते जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आंद्रे अगासी की आत्मकथा ओपन पढ़ रहा था। उनकी असल जिंदगी 30 साल की उम्र के बाद ही शुरू हुई। तब तक उन्होंने 2 या 3 ट्रॉफी जीती थी। उनकी असल जिंदगी उसके बाद शुरू हुई। वो मीडिया में दबाव में रहे, जिसमें उनके सवाल रहे कि आप कब संन्यास लेंगे, लेकिन वो 36 साल की उम्र तक खेले और उन्होंने इतने सारे ग्रैंड स्लैम खिताब अपनी झोली में डाले।